तो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय हम सब आपका स्वागत करते हैं। और क्यों ना हम एक वचन को निकालें जो कि बहुत खूबसूरत वचन है। बाइबल कहता है भजन संहिता 95 और वचन 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ हैं। भला होता कि आज तुम उसके बातों को मानते। हालेलुया। बाइबल कहता है कि आओ हम उसके सामने घुटने टेक कर दंडवत करें। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे लिखा गया है, लेट अस बाउ डाउन एंड वर्शिप, आए हम उसके सामने घुटने टेके और उसकी आराधना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आराधना एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज़ है हमारे ज़िंदगी में शत्रु के हर एक तीर को खंडित करने के लिए। जो हृदय आराधना का हृदय होता है वह हृदय प्रभावशाली होता है। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जब हम अपनी दुविधा और परेशानी और दिक्कतियों में रहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हृदय है वो आराधना से भरे रहे, ताकि हमारे हृदय के ज़रिए हमारे ज़बान से परमेश्वर के लिए उसकी महिमा निकले। हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए हर समय, क्योंकि जब हमारे हृदय से परमेश्वर के लिए महिमा निकलती है या आराधना निकलती है, तो हम काफ़ी सारे चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अपने जीवन में देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है और जब हम आराधना करते हैं तो वहाँ पर केवल हम परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते, केवल हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बेदारियों को देखते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी सारी अद्भुत बातों को भी देखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर और भी कई सारी अद्भुत और महान बातों को भेजते हैं। आराधना हमारे लिए दरवाज़ों को खुला कर देता है। आराधना हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आता है। इसलिए जब आप बाहर रहते हो, आप घर पर रहते हो, आप व्यवसाय या अपने कार्यस्थल पर रहते हो, आप अपने मुंह से गुनगुनाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रह सको। आपको मालूम है कि हमारा माइंड, हमारा मन इतना एक्टिव रहता है कि वो लगातार तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ सोचते रहता है, और काफ़ी बार हमारे मन को हम ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करते रहता है चीज़ों के प्रति, हमारे काम के प्रति, हमारे जिम्मेदारी के प्रति और हर एक चीज़ों के प्रति वो चिंता करते रहता है। अगर हम उस चिंता को आराधना में बदल दें कि है ना, ठीक है ये सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन हाँ आप धीरे धीरे करके जब आराधना करना चालू करोगे तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके सामने आप अनुभव कर सकते हो। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ और आपको याद होगा कि एक चरवाहा जब अपने भेड़ों को लेकर निकलता है, उसमें से जब एक भेड़ खो जाती है तो वो भेड़ जो है भेड़िए के सामने पहुँच जाती है और भेड़िया पूछता है कि तेरा आखिरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है कि तू आखिरी चीज़ करे, क्योंकि उसके बाद मैं तुझे खाने पर हूँ। और वो भेड़िया जब गीत गाने लगता है, उसका चरवा उसकी आवाज़ को सुनकर आ जाता है और वो अपनी लाठी का इस्तेमाल करता है उस भेड़ियों पर, और वो भेड़िया भाग जाता है और जो भेड़ रहती है वो अपने चरवाहा को देखकर आनंद मनाती है। उसी प्रकार बाइबल कहता है कि हम उसके भेड़ हैं और जब हम आराधना करते हैं तो वो अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। जब हम आराधना करते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर हम आप पर विश्वास रखते हैं। जब हम आराधना करते हैं तब हम अपने हृदय से यह कहते हैं कि विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो जीवित है, वो अद्भुत कार्य करेगा। जब हम आराधना करते हैं तब हम काफ़ी सारी अच्छी बातों का डिक्लेरेशन करते हैं, काफ़ी सारी अच्छी बातों को करते हैं, काफ़ी सारी नई बातों को हम तैयार करते हैं जाने अनजाने में। इसलिए हर समय आप गुनगुनाते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि जब आप गुनगुनाते रहोगे, आप परमेश्वर की आराधना करते रहोगे, काफ़ी सारी अच्छी बातें, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होगी। आप जब ट्रैवल करते हैं आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है ना संसार के गीत गुनगुनाते हैं,
और जब संसार के लोग गुनगुनाते हैं अपने होठों से, अपनी जबान से, जब वो डिक्लेयर करते हैं, तो होता क्या है मालूम है? वे लोग दूसरे को प्रसन्न करते हैं, दूसरे को आनंदित करते हैं। अगर कोई निराश रहेगा और अगर वो व्यक्ति उसकी ओर ताकेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। अगर परमेश्वर के लोग इस प्रकार की गीत गाना चालू करें, लोग उस गीतों पर ध्यान देंगे और परमेश्वर उनको अपने उपस्थिति में जकड़ लेगा। और काफ़ी सारे चीज़ें हो सकते हैं। सोचो आप ट्रैवल कर रहे हैं कोई बस में या फिर ट्रेन में, और आप गुनगुना रहे हैं कि यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। और आपको पता नहीं कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है, बस आप खो गए हो परमेश्वर की उपस्थिति में। आप बस गुनगुना रहे हो, आप बस महिमा कर रहे हो, और अचानक जो आपके पड़ोस में बैठा है वो आप पर ध्यान लगाकर सुन रहा है कि आप क्या गा रहे हो। और वो निराश है, वो हताश है, वो सुसाइड करने के चक्कर में है, या फिर वो कोई चीज़ों को छोड़ने के चक्कर में, कोई गलत काम करने के चक्कर में है। लेकिन जब वो उस आवाज़ को सुनता है जो आप गाते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, उसका ध्यान आपकी ओर करता है और वो आपको एक मौका देता है उससे बात करने के लिए। और जब वो आपकी ओर ताकता है और आप देखते हो अचानक कि वो आपकी ओर ध्यान लगाकर सुन रहा है, तो आप उसे कह सकते हो परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आप उन्हें बता सकते हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप उन्हें बता सकते हो कि परमेश्वर आपको चाहता है। आप उन्हें बता सकते हो कि परमेश्वर की करुणा दया आप पर है और परमेश्वर उसके जीवन को बचा सकते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं। और आप गीत गा रहे हो, आपके पड़ोस में कोई खड़ा है, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, अचानक उसका सुबह जो है बहुत ही बुरा तौर पर गया होगा, लेकिन जब उसने आपकी आवाज़ को सुना गाते हुए, तो शायद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और अचानक वो आपको देखकर स्माइल देगा, मुस्कुराएगा। आपको मौका मिल जाता है परमेश्वर की महिमा वहाँ पर करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आराधना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसे अपना लाइफस्टाइल बना लो, जीवन शैली बना लो। पौलुस और सिलास इतने बड़े दुविधा में होने के बावजूद, इतनी बड़ी कष्ट में होने के बावजूद, इतने मार खाने के बावजूद, लहू लुहान होने के बावजूद, उनके हाथ पे जंजीरों से जकड़ने के बावजूद, वे अपने लाइफस्टाइल को नहीं भूलते हैं और वे वहाँ पर जाकर आराधना करते हैं। और ऐसी आराधना करते हैं कि कैदी वहाँ पर सुन रहे थे। वो आराधना नहीं करते शांत रहते हुए कि अरे यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वो ऐसी आराधना कर रहे थे कि कैदी सुन रहे थे उनके। हो सकता है कि जब कैदी सुन रहे होंगे, शुरुआत में उनके मन में, पौलुस और सिलास के मन में आया होगा कि अरे यार हम जोर से गा रहे हैं, कैदी जो है आवाज़ को सुन रहे हैं, शायद कैदियों को लगेगा कि इनके सर पर भी शायद मार लग गया है, इसीलिए ये कुछ भी गा रहे हैं, शायद ऐसे वो सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, उन्होंने उन चीज़ों का परवाह नहीं किया, वो अपने आवाज़ को ऊंचा करते गए और वो परमेश्वर की आराधना करते चले गए। और आगे की स्टोरी आप जानते हो कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया। आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर है जो पौलुस और सिलास के जीवन में कार्य किए। आज भी वही परमेश्वर है जिन्होंने अद्भुत काम किए हैं भूतकाल में, और वो हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। इसलिए आइए ये सुबह को हमारी आराधना की सुबह बनाएं, आइए ये सुबह को परमेश्वर की स्तुति की सुबह बनाएं। हम जब आराधना करते हैं, हम जब स्तुति करते हैं, हम केवल परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, लेकिन हम हमारे लिए नए मार्गों को तैयार करते हैं। हम हमारे लिए अच्छी और बड़ी बातों को, विशेष बातों को भी तैयार करते हैं। इसलिए हमारा हर दिन होने दो कि आराधना का दिन हो, हमारा हर दिन होने दो कि परमेश्वर को महिमा देने का दिन हो, होने दो कि हमारा हर एक पल, हमारा हर एक क्षण जो है परमेश्वर को महिमा देने का क्षण हो, हमारा हर एक क्षण जो है परमेश्वर की स्तुति करने का क्षण हो। इसलिए तय कर लो कि आप अपना जीवन शैली बनाओगे आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, क्योंकि आराधना, परमेश्वर की स्तुति कई सारी बेदारियों को हमारे जीवन में लेकर आती है। ये आदत लगा लो खुद को कि आप जब भी फ्री होते हो आप गुनगुनाते रहोगे, आप परमेश्वर के गीत गाते रहोगे। जब आप ये आदत लगा लोगे, कोई भी गलत बातें जो है ना आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी।
एक समय में हम एक बात पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, हम दो चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। तो जब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के आराधना महिमा के लिए तैयार करते हो अपना हृदय, अपना मन, और जब आप गुनगुनाते रहते हो, तो बाहर जो गलत चीज़ें होता है ना, वो आपके अंदर जल्दी इंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका मन पहले से एक्टिव है कोई चीज़ में, तो जो गलत बातें हैं वो आपके मन में प्रवेश नहीं कर पाते, गलत चीज़ें आप सोच नहीं पाते क्योंकि आप आराधना कर रहे हो। और अगर आपके मन में ऐसे कोई चीज़ आए तो भी आप क्या करो, कंटिन्यू तौर पर आराधना करना जारी रखो, आराधना करना जारी रखो, और परमेश्वर देखो किस प्रकार अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। आइए क्यों ना इस समय अपनी आँखों को बंद करें और इस दिन को समर्पण करें कि परमेश्वर हमें मदद कर, हमारा पूरा दिन आज जो है आराधना करते हुए, प्रभु आपकी स्तुति करते हुए हम बिताएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी भलाई प्रभु हमारे जीवन पर इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं प्रभु, आज के सुबह को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आज के सुबह को परमेश्वर हम आशीषित करते हैं परमेश्वर, आज के दिनचर्या को हम ठहराते हैं परमेश्वर, अच्छी बातों को अनुभव करने के लिए सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में आ रही है, सारी भली बातें हमारे जीवन में आ रही है परमेश्वर, आपकी कृपा दया करुणा प्रभु हमारे जीवन में आ रही है, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु आज हर क्षण में हम अच्छी बातों को सुनने पर है, अच्छी बातों को देखने पर है, सारी कठिनाई जो है वो हमारे लिए आसान हो रही है, सारी जो इम्पॉसिबल बात है, असंभव बात है, हमारे लिए प्रभु संभव हो रहे राजा, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज का दिन आपने हमारे उद्धार का दिन ठहराया, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु आप हमारा इस्तेमाल करें कई लोगों तक इस उद्धार के समाचार को लेकर जाने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रभु आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है प्रभु जी, आशीषों का बहुचार प्रभु जी हमारे जीवन पर होने पर है राजा, हम धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके महान कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते, आपकी भले बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपने अनुग्रह किया धन्यवाद करते, चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते, महान महिमा आपको देते प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए ये समय है जहाँ पर हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, मेरे साथ आप सभी लोग प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रभु भोज तैयार किया है, और जिन्होंने प्रभु भोज तैयार नहीं किया आप हर दिन प्रभु भोज को तैयार रखें ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के मृत्यु को हम स्मरण करें और अपने दिन का हम शुरुआत करें। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु ये आपका दिय है जो मेरे लिए 2000 साल पहले तोड़ा गया, मैं विश्वास करता हूँ आपके इस दिय के ज़रिए मेरा पूरा शरीर चंगा हो चुका है, मेरे शरीर का हिस्सा चंगा हो चुका है, हर एक बॉडी पार्ट्स नया होते जा रहा है, यीशु के नाम से मेरे शरीर से चंगाई बह रही है यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु ये आपका लहू है जो मेरे लिए 2000 साल पहले बहाया गया, आपका लहू मुझे शुद्ध करता है, पवित्र करता है और धर्मी बनाए रखता है, आपके लहू के द्वारा मैं पवित्र हूँ, ये मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।